सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिकॉलोजी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक के वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए बायोकेमिक में एक दवाई सिलिशिया, जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको सिलिशिया के बारे में बताऊँ, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर जो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ सिलिशिया के बारे में। सिलिशिया, जिसको सैंड कहा जाता है यानी रेत, ये बहुत बायोकेमिक में अहम दवाई मानी जाती है। इसकी अलामत जो सबसे ज़्यादा अहम है वो खुराक का जुज़ बदन ना बनना। अब खुराक का जुज़ बदन ना बनना यानी मरीज खाता भी है, हजम भी होता है, लेकिन वो असिमिलेट नहीं होता। तो वहाँ पे सिलिशिया 6x 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम देने से मरीज में खुराक का जुज़ बदन बनना बेहतर हो जाता है और मरीज जो अंडर वेट होते हैं उनका वेट पूरा हो जाता है और उनकी कमजोरी दूर हो जाती है। इसके अलावा सिलिशिया कील और मुहासे, एक्ने और पिंपल्स में बहुत ज़्यादा फायदा देती है। और ये दवाई याददाश्त की कमजोरी, जो लोग खुराक जिनको असिमिलेट नहीं होती, जुज़ बदन नहीं बनती और वो अंडर वेट होते हैं, तो उनके जिस्म की कमजोरी की वजह से नर्वस सिस्टम भी कमज़ोर होता है, हिसाबी कमजोरी होती है और याददाश्त भी उनकी कम हो जाती है। सिलिशिया के मरीज जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और वो बदबूदार होता है, ऐसे मरीजों के लिए सिलिशिया बहुत ही अहम दवाई है। इसके अलावा सिलिशिया ऐसे लोगों के लिए जिनके जिस्म में कोई भी चीज़ फंस जाती है, खसूसी तौर पे हलक में मछली का कांटा या इसी तरह जिस्म के किसी हिस्से में सरकंडा, और वो बाहर नहीं निकलता और टूट जाता है, तो बायोकेमिक में सिलिशिया 6x खसूसी तौर पे ये दवाई, अगर जिस्म में मछली का कांटा गले में फंस जाता है या इसी तरह सरकंडा अगर जिस्म के किसी हिस्से में चुभ जाता है और वो टूट जाता है, नहीं निकलता, तो सिलिशिया 3x ताकत में 4 टैबलेट दिन में 4-5 दफ़ा बार बार दोहराने से उम्मीद की जाती है कि उसका ये कांटा और सरकंडे का हिस्सा वो बाहर निकाल दे। ये कई दफ़ा इसको आजमाया गया है और वहाँ पे सिलिशिया से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। लेकिन अगर वो बड़ा है और उसको फिर आप मरीज के लिए एक्सरा तजवीज़ करेंगे, एक्सरे में अगर वो आ जाए तो आप उसको किसी सर्जन के पास भेज के उसको फ़ायदा या उसकी मदद आप कर सकते हैं। वस्सलाम।